ये देखो भाई गुड़ एकदम मतलब अच्छी तरीके से पक चुका है, एकदम लाल हो चुका है भाई। टिक्की आ रही है, इनकी सोने की तरह चमक रही है। तो हेलो फूडी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड ऑफ लाइफ ऑफिशियल में। और बेहतर फूड की तलाश में आ गया भाई मयूर विहार फेस 3। सर्दी आ गई और ठंड के मौसम में सब लोग घर में बैठ के गजक और मूंगफली खाना बहुत पसंद करते हैं। तो भैया गजक कैसे बनती है उसके लिए मैं आ गया हूँ मयूर विहार फेस 3 और मुरैना गजक भंडार पे। तो चलिए दिखाते हैं इनकी मेकिंग, कराते हैं इनका ऑनर से बात। आइए चलिए कराते हैं इनके ऑनर से बात। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम अपना? रिंकू राठौर। रिंकू भैया कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको? यहाँ पे अभी दिवाली से पहले स्टार्ट किया हुआ। अभी दिवाली से पहले स्टार्ट किया है। और बाकी काम करते हुए कितना टाइम हो गया? काम करते हुए मेरे पेरेंट्स करते थे, मैं तो फर्स्ट टाइम किया हुआ। अच्छा अच्छा। मेरे फादर इन लॉ पेरेंट्स हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, 10-12 साल हो गए। अच्छा। ये जो हब हलवाई है वो मेरे चाचा जी हैं। अच्छा। यहाँ पे जो वर्कर हैं सारे अपने रिलेटिव हैं। ओके। तो अभी आपके पास जो गजक की वैरायटी है वो कितनी वैरायटी रखते हो? अपने पास 25-26 प्रकार की वैरायटी है। वैरायटी दिखाइए अपनी, कौन सी कौन सी? ये अपनी सोन गजक है। सोन गजक? हाँ, ये देसी घी में बनाई जाती है। ओके। और ये अपनी काजू पट्टी है, ये भी काजू ड्राई फ्रूट्स और देसी घी का रहता है। अच्छा। पूरा काजू और देसी घी में बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। एकदम प्योर देसी घी रहता है, अपने गांव से लेके आते हैं। ठीक है। यहाँ का यूज नहीं है। ये ड्राई फ्रूट्स वाला रोल है, ये भी देसी घी वाला है। तो आपके पास ड्राई मतलब देसी घी में और वैसे नॉर्मल दोनों ही मिलते हैं अपने पास? हाँ, दोनों मिल जाते हैं, ऊपर नॉर्मल रहते हैं। अच्छा। नीचे सारे ड्राई फ्रूट्स और देसी घी का रहे। और मैं देसी घी के रेट की बात करूँ, इसका रेट क्या रहने वाला है? सबका जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और देसी घी के साथ में उसका रेट हमने 560 रुपए किलो रखा है, जो कि एकदम आपको प्योर चीजें मिलेगा। ओके। एकदम प्योर चीजें और हाइजीन। ये इसमें अपना गोंद और ड्राई फ्रूट्स का लड्डू भी है। अच्छा। ये गोंद और ड्राई फ्रूट्स बॉडी को काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके लिए काफी लाभदायक। सर्दियों के मौसम में काफी लोग इन्हें पसंद करते हैं, काफी गर्म होती है। हाँ जी, सबसे ज्यादा गोंद के लड्डू की डिमांड ज्यादा रहती है और ये ड्राई फ्रूट्स वाला रोल है ना, उसकी डिमांड भी काफी रहती है। ठीक है। इसी में ऐसे ही मावा का लड्डू है। अच्छा, मावा का लड्डू भी आपने बात। ये भी मावा भी हमारा खुद का बना हुआ है। अच्छा। तो ये ओवरऑल जो भी मिठाइयाँ हैं ये सब आप अपने यही बनाते हैं? हाँ जी, ओवरऑल यहाँ पे जितना भी दिख रहा है एक भी आइटम अपना बाहर का नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ इतने सारे आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे आइटम भैया खुद बनाते हैं, कोई भी बाहर से परचेज नहीं करते हैं। और सारे जो भी इनके जो वर्कर हैं वो सारे इनके रिलेटिव हैं और खुद अपने वर्करों से बनाना पसंद करते हैं, तो बाहर से कोई भी आइटम यहाँ खरीदा नहीं जाता। और अपने पास गुड़ के ये क्या है, गुड़ पट्टी है? ये मूंगफली वाला है। इसमें गुड़ के साथ मूंगफली और तिल भी मिलाया जाता है, जो एकदम सॉफ्ट भी रहता है और क्रंच में भी रहता है। तो मैं काफी सारी देखी भी है, काफी ज्यादा हार्ड भी रहती है और सॉफ्ट भी रहती है। तो मतलब क्या गुड़ चीनी का फर्क पड़ता है या बनाने का अपना? नहीं, बनाने बनाने का फर्क पड़ता है। ओके। जैसा अच्छा क्वालिटी होगा उतना ज्यादा सॉफ्ट रहेगा। ठीक है। अब भैया एड्रेस की बात करूँ तो यहाँ का एड्रेस क्या होने वाला, अगर कोई व्यूअर यहाँ आना चाहे तो एड्रेस क्या है यहाँ का? ये अपना ए ब्लॉक पड़ता है मयूर विहार फेस 3 में। ठीक है। हनुमान मंदिर के नियर बाय हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के जस्ट अपोजिट भैया की शॉप है मुरैना गजक भंडार। आप यहाँ आ सकते हो और गजक भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी मतलब गजक है यहाँ पे और टेस्ट बहुत अच्छा है और देसी घी में बनाते हैं और मतलब जो भी है ओवरऑल जो टेस्ट ना बहुत अच्छा है। तो चलते हैं मेकिंग दिखाते हैं और एक बार गजक टेस्ट करके बताएंगे कि गजक का टेस्ट कैसा है और ले जाएंगे घर। यार ठंड आ रही है, गजक खाइए, आइए आप भी मजे लीजिए। आओ देखो पानी ले लिया, पानी के बाद इसमें डाल दी गई चीनी। गुड़ का घोल बना के तैयार किया जाता है और उसके बाद ये डाला जाता है। ये देखिए चीनी और गुड़ का घोल है ये। अच्छा, मतलब जितनी चीनी डालोगे उतना ही गुड़ डलेगा। ये देखो भाई गुड़ एकदम मतलब अच्छी तरीके से पक चुका है, एकदम लाल हो चुका है, एकदम मतलब उनमें की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। और ये गैस कर दी गई है बंद। ये देखो भाई, और इसे ले जाएंगे वहीं उसी टेबल पे जहाँ पे, ये देखिए भाई, और ये इसे पत्थर पे पलट लिया गया है। ये देखिए एकदम, और गुड़ और चीनी का मतलब घोल था, अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसे अब क्या करेंगे, अगला प्रोसेस क्या होगा भैया?
इसका जो हवा भरी हुई मतलब जो गर्म है उसे ठंडा किया जाएगा। ये देखिए इसे पलट पलट कैसे खींचा जाएगा, और ये बहुत गर्म है, हम लोगों के बस की बात नहीं है कि इसे हम टच भी कर सके। ये भैया को कितना साल हो गया आपको गजक बनाते हुए? 3 साल हो गए भैया को गजक बनाते हुए। ये देखिए भाई अभी से अच्छे से इसकी खिंचाई होगी, एकदम तार वार की तरह तार तार से इसमें से दिखाई दे रहे हैं एकदम, आप देखोगे इतनी सारी लेयर बन जाएंगे, और जितनी ज्यादा इसकी खिंचाई होगी उतनी ज्यादा खस्ता ये गजक बनेगी। एकदम वाइट वाइट से देख रहे, कितना मजा आ रहा भाई, इतना अच्छा लग रहा देखने में, बहुत शानदार एकदम, मतलब गोल्ड की तरह चमक रहा है इसका भी। अब ये इसके बाद लाया जाएगा इस कील पे, ये लोहे की कील है, और यहाँ पे से यहाँ खींचा जाएगा। ये देखिए यहाँ इसकी खिंचाई अच्छे से खिंचाई होगी, यहाँ पे जब तक ये वाइट नहीं हो जाता। तो ये है गुड़ की चाशनी। तो इसे कितनी देर पकाया जाता है? उसकी मतलब मेल्ट हो जाएगा ये, एकदम गुड़ है ना जो थोड़ा सा पक जाएगा अच्छे से, 5-10 मिनट में पक जाता है। और इसे जो ये खींचने का प्रोसेस है ये कितनी देर का है? ये 2-3 मिनट का रहता है एकदम। अच्छा तो भैया कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ दिल्ली में काफी समय हो गया, अभी तो सर्दियों का विंटर सीजन रहता है ओनली। अब जैसे मकर संक्रांति और लोहड़ी पे सीजन ज्यादा उस पर रहता है। हाँ जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी इसका क्रेज बढ़ता जाएगा, गजक का लोग गर्म। आप मुरैना से हो प्रॉपर? हाँ भैया। तिल में मिक्स करेंगे अभी सब, क्या पीटा जाएगा सर? हाँ ये देखिए तिल गया भुन अपना, ये भाई देखिए जोर जोर से चटक रहा है तिलिए। तो ये रहा भाई अपना तिल, ये देखिए जो गजक आपको खाने में 1 मिनट लगता है उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो आप देख सकते हो। तो अपने पास किस किस कौन सी वैरायटी की गजक रहती है? अपने पास ड्राई फ्रूट्स वाली है, देसी घी वाली है, गुड़ वाली, गुड़ तो है ही, गुड़ की भी बनती है, चीनी की भी बनती है। तो ज्यादातर जो लोग पसंद करते हैं कौन सी, गुड़ वाली पसंद करते हैं? हाँ सब ये गुड़ का ही खाते हैं, सर्दी विंटर का, चीनी का तो सबको शुगर वगैरह होता है, डायबिटीज वगैरह है। और गुड़ मतलब गुड़ अगर खाते हैं तो कोई डायबिटीज नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा इशू नहीं रहता है। गुड़ तो सर्दियों के लिए काफी एनर्जी देता है, मतलब खाने के साथ में भी लोग गुड़ खाते हैं, गांव में आज भी खाते हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से मतलब गुड़ को तिल के साथ मिक्स कर दिया गया है। ये देखिए भाई बड़े बड़े हथौड़े हैं दो भाई की कुटाई कर रहे हैं इसके। ये देखिए आपको लगती है खाने में बहुत मजा आता है लेकिन मेहनत देखो उसमें कितनी मेहनत है बनाने में। अच्छा ओके अब इसे ये देखिए भाई ये बना लीजिए इसकी परत, अब इसे कूट के एकदम चकोर करके फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये कटना शुरू हो, तो ये हो चुके भाई अपना कूट चुकी है और एक प्रॉपर लेयर में इसे स्क्वायर बना गया और इसकी हो रही है कटिंग। ये देखिए ये देखिए भाई मतलब प्रॉपर चकोर तरीके से इनके पीस बना लिए गए हैं। तो ये भैया बनके तैयार है अब। तो इस गजक को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? खस्ता गजक। ये भैया अपनी खस्ता गजक है और ये बनके तैयार हो चुकी है, इसे ट्रे में लगाएंगे। तो अभी इसे खा सकते हैं? खाने लायक हो चुकी है? अच्छा अभी ये थोड़ी गर्म है, ठंडी होने के बाद इसे खा सकते हैं। तो भाई अभी जो यहाँ गजक बनाई है उसकी मेकिंग जो हमने आपको दिखाई है वो गजक है, वो टेस्ट करने जा रहा हूँ, उसका टेस्ट बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। यार बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है, मतलब जब लग रहा था ना तो लगना पता नहीं चल रहा था इतनी टाइट, मैं सोच रहा था काफी टाइट होगी लेकिन तो होठों से ही फूट रही है, मतलब दांतों का भी यूज करने की जरूरत नहीं है, जो अपने बड़े बुजुर्ग है जिनके दांत नहीं उनके लिए बहुत अच्छी गजक है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। एक पीस मैं इनका ट्राई करने वाला हूँ देसी घी का, जो सेम गजक है बट देसी घी में बनी हुई है। मतलब जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, इसमें और इसमें, बहुत ही टेस्टी गजक है। इसका देसी घी वाले का प्राइस क्या रहता है भैया? इसका 440 रुपए किलो, इसका 440 रुपए प्राइस रहता है, और इसका इसका 280 रुपए 280 रुपए
तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप दोनों ही ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बहुत ही अल्टीमेट गजक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करता हूँ वीडियो फिनिश, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। बाय।